बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। प्यारी से यूट्यूब फैमिली, क्या हाल आप सबका? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिंधी बिरयानी की रेसिपी। ये बिरयानी मैं घर के मसालों के साथ बनाऊँगी, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं बासमती राइस, 1 किलो चिकन, 3 लार्ज साइज़ के प्याज, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 लार्ज साइज़ के आलू, 4 टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना। ये मैंने ले लिया 7-8 दाने खुश्क आलू बुखारे के, 1 कप दही, और ये मैंने ले लिया 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का, जावित्री का 1 फूल, 10-15 दाने काली साबुत मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून सौंफ। इसको पीस कर इसका पाउडर बना लें। 1 कप ऑयल, ये मैंने ले लिया 2 तेज़पात, 4-5 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान के फूल और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब ऑयल में ये मसाले डाल दें। मसाले डालकर इसको 1 मिनट तक पका लें। अब इसमें प्याज डाल दें। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए फिर इसमें चिकन डाल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें। चिकन डालकर इसको मैंने 4-5 मिनट तक भून लिया। अब इसमें टमाटर डाल दें, आलू भी डाल दें, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और ये जो बिरयानी मसाला बनाया था ये भी डाल दें। हाफ टी स्पून बुना कुटा जीरा भी डाल दें और आप इसको अच्छी तरह से भून लें। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और सारा मसाला इसमें मिक्स हो गया। ये देखिए, अब इसमें आलू बुखारा डाल दें, दही भी डाल दें। अब इसको कवर करके थोड़ी देर तक पका लें ताकि चिकन और आलू गल जाएं। अब इसमें 1/2 टीस्पून बिरयानी एसेंस डाल दें। बिरयानी का कोरमा तैयार है, इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और पुदीना डाल दें। चावल उबलने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पुदीना डाल दें। अब इसमें चावल डाल दें, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, मैंने इसमें 4 टेबलस्पून डाले हैं। और जब चावल बॉईल करें तो पानी ज़्यादा सारा लें, खुले पानी में चावलों को बॉईल करें। चावलों को तकरीबन 90% तक मैंने गला लिया है। अब इसमें से पानी निकाल दें, बिरयानी की लेयर बना लें। अब इसके ऊपर ये जो कोरमा बनाया है ये डालें। बिरयानी को दम में तवे पर लगाऊंगी जिसके लिए मैं तवा गर्म होने से बचाती है। ये एक लेयर मैंने चिकन की लगा दी है। अब इसके ऊपर बाकी बचे हुए चावल डाल दें, थोड़ा सा फूड कलर डाल दें और अब इसको कपड़े के साथ दम लगा दें। तकरीबन 10 मिनट तक इसको दम लगा, बिरयानी को मैंने 10 मिनट तक दम लगा लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं, बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। लजीज बिरयानी तैयार है, बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।